हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट जॉब्स। में फ्रेंड्स, आज का जो वैकेंसी है वो JSW स्टील की तरफ से निकल कर आ रही है। सो यस, फ्रेशर्स इसके लिए कम्प्लीटली एलिजिबल है। कोई भी एप्लीकेशन फ्री रखा गया है, परमानेंट जॉब है, कोई भी ब्रांच इसके लिए एलिजिबल है, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप लोग को सैलरी 55,000 पर मंथ मिल जाएगी। इसमें ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीड्योर एंड एप्लीकेशन प्रोसीड्योर सब कुछ मैं वीडियो में आगे जाकर डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देखिएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो फ्रेंड्स, ये है इसका ऑफिशियल वेबसाइट जो आप लोग देख पा रहे हो कि जिंदल स्टील की तरफ से आ रही है। तो फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन स्टार्ट करने से पहले अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आप लोगों को आने वाले सारी अपडेट मिल सके। और वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ थोड़ा सा शेयर भी कर दिया करो यार, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले ऐसे अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए लेके आने के लिए। और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर के रखिए जॉब रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं डिटेल्स नोटिफिकेशन की। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एक परमानेंट जॉब है, कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल या तो टेम्पोरारी जॉब नहीं है। डिटेल्स पोस्ट की बात करें तो फ्रेंड्स, यहीं पे ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी पोस्ट के लिए वैकेंसी निकल के आया गया। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो कि ये जो वैकेंसीज है वो रिसेंटली यानी कि 12 अगस्त को पोस्ट किया गया है, जिसमें आप लोगों का जॉब लोकेशन विजयनगर, विद्यानगर और कर्नाटक पे रहेगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो फ्रेंड्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आप लोग किसी भी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में से जैसे कि सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, IT किसी भी ब्रांच में से अगर आप लोग 4 साल का BE/BTECH किए हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा लैटरल एंट्री वाले भी इसके लिए कम्प्लीटली एलिजिबल है, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप लोग आपके BE/BTECH में फाइनल सेमेस्टर पे हो या तो फाइनल ईयर पे हो तो भी आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो, इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसमें आप लोग किसी भी ईयर में से आपका 4 साल का BE/BTECH किए हो तो इसके लिए एलिजिबल हो, इसमें अप्लाई कर सकते हो। कोई भी लिमिट यहीं पे नहीं रखा गया है। इसमें अप्लाई करने के लिए एक्सपीरियंस की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप लोग फ्रेशर्स कैंडिडेट हो तो आप लोग इसके लिए कम्प्लीटली एलिजिबल हो, इसमें अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट की बात करें तो फ्रेंड्स, एज लिमिट यहीं पे 18 ईयर्स से लेकर 30 ईयर्स तक रखा गया है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो फ्रेंड्स, सिलेक्शन प्रोसीड्योर में फर्स्ट होगा आप लोगों का ऑनलाइन टेस्ट। ऑनलाइन टेस्ट में टेक्निकल, नॉन टेक्निकल दोनों पार्ट में से क्वेश्चंस रहेगी। अगर आप लोग उसमें क्वालिफाई करोगे तो उसके बाद होगा इंटरव्यू। इंटरव्यू में HR और टेक्निकल इंटरव्यू होगा। अगर आप लोग इस दोनों स्टेज में क्वालिफाई कर जाते हो तो उसके बाद आप लोगों का सिलेक्शन यहीं पे हो जाएगी। एप्लीकेशन फी की बात करें तो फ्रेंड्स, यहीं पे कोई भी एप्लीकेशन फ्री रखा गया है। हर एक कैटेगरी के लिए फॉर्म कम्प्लीटली फ्री है। JSW स्किल रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए कभी भी कोई भी एप्लीकेशन फी चार्ज नहीं करते। एक बहुत ही अच्छा ग्रेट अपॉर्चुनिटी है फ्रेशर्स वालों के लिए। अगर आप लोग इसके लिए एलिजिबल होते हो तो इसमें जरूर अप्लाई कीजिएगा। एप्लीकेशन प्रोसीड्योर की बात करें तो फ्रेंड्स, इसमें अप्लाई करने के लिए आप लोग को अप्लाई फॉर दिस जॉब ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग के सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगी, जिसमें फर्स्ट आप लोग को साइन अप करना है। साइन अप करने के लिए आप लोग को साइन अप ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको आपका ईमेल आईडी और कोई भी पासवर्ड चूज करने के बाद आप लोग को आई एग्री ऑप्शन पे क्लिक करना है, और उसके बाद आप लोग को साइन अप ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप लोग गूगल अकाउंट से साइन अप करना चाहते हो तो भी आप लोग कर सकते हो, जिसके लिए आप लोग को साइन अप विद गूगल ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको आपकी ईमेल आईडी चूज करने के बाद कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद साइन अप प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, और उसके बाद आप लोग को लॉग इन करना है। लॉग इन करने के लिए आप लोग को साइन इन ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको आपके ईमेल आईडी और पासवर्ड यहीं पे फिल करने के बाद साइन इन ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। उसके अलावा अगर आप लोग जीमेल से साइन इन करना चाहते हो तो भी आप लोग कर सकते हो। और लॉग इन करने के बाद आप लोग के सामने इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगी, जिसमें फर्स्ट आपको आपका रिज्यूमे का सॉफ्ट कॉपी यहीं पे अपलोड करना होगा। उसके बाद आपको आपका बायोग्राफिकल डिटेल्स में से आपको आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यहीं पे फिल करना है। उसके बाद अगर आप लोग के फैमिली में कोई भी JSW स्टील में काम करते हैं तो उसका डिटेल्स आप लोग यहीं पे फिल कर सकते हो। अगर इस ऑप्शन आप लोग के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है तो उस केस में आप लोग को NA यानी कि नॉट एप्लीकेबल फिल करना है, और उसके साथ आपको आपका फोटोग्राफ का स्कैन कॉपीज यहीं पे अपलोड करना होगा। और उसके बाद आपको आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन यानी कि आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर यहीं पे फिल करना है। और फिल करने के बाद आपको आपका पर्सनल डॉक्यूमेंट्स में से आपका जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है वो आप लोग को यहीं पे अपलोड करना होगा। और ये सब इन्फॉर्मेशन आप लोग को अच्छे से फिल करने के बाद सबमिट एप्लीकेशन ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप लोग का एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। सैलरी की बात करें तो फ्रेंड्स, यहीं पे ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी पोस्ट के लिए आप लोग को सैलरी 55,000 पर मंथ मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये है इसका डिटेल्स नोटिफिकेशन और फॉर्म फिलअप का डिटेल्स। आई होप आप लोग को हर एक इन्फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स या क्वेश्चंस है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक और इसमें अप्लाई करने का लिंक आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगी। आप लोगों में से कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर रहे हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।
और आपका डिग्री एंड डिसिप्लिन कमेंट में जरूर मेंशन करना था कि आने वाले वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जॉब अपडेट्स लेके आ सकूं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आप लोगों को आने वाले सारी अपडेट मिल सके। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले ऐसे अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए लेके आने के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नया जॉब नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।